एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिक्स डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द अ बार ग्राफ। ये सिक्स क्लासेस के जो बच्चे हैं, हर एक क्लास में कितने चिल्ड्रन हैं, उनका नंबर्स दिया हुआ है इस टेबल में। फिफ्थ में 135 स्टूडेंट्स हैं, सिक्स में 120 स्टूडेंट्स हैं, सेवन्थ में 95 स्टूडेंट्स हैं, एट्थ क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, नाइन्थ क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं और टेंथ क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं। तो ये बार, ये टेबल देख करके हमें एक बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है इस डेटा को। तो अब इस बार ग्राफ पे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें ये क्वेश्चंस भी उसके साथ साथ अटेम्प्ट करने हैं। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप स्केल कैसे बनाओगे। स्केल का मतलब है, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चंस में किया था 1 से 10 तक डेटा, क्योंकि वो सिर्फ 10 तक था तो हमने ग्राफ में 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है 90 से 80 से शुरू हो रहा है और 135 तक जा रहा है। तो 135 को अगर हम एक ग्राफ पेपर पर लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, हमें इसलिए एक स्केल बनाना पड़ता है। स्केल का मतलब होता है कि हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये मान लें तो हमें टोटल 20 स्टूडेंट्स के लिए 2 सेंटीमीटर, 30 स्टूडेंट्स के लिए 3, 40 स्टूडेंट्स के लिए 4 सेंटीमीटर, इसी तरह से 130 स्टूडेंट्स के लिए 13 सेंटीमीटर और 135 स्टूडेंट्स के लिए 13.5 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो हमारा स्केल जो होगा वो हम ये रखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ये सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले बार ग्राफ बना लें। तो हमें बार ग्राफ में ये स्केल रखना है, सबसे पहले हम जब बनाएंगे तो हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से लिखना है। तो आइए पहले हम बार ग्राफ को समझ लेते हैं। तो अब हमने ये बार ग्राफ में हमने स्केल लिख दिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। और हमने क्या किया है, यहाँ इस तरफ क्लास लिख दिया, क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। और फिर उसमें बच्चों के स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं, जैसे कि क्लास 5th में 135 है और 6th में 120 है। तो हमने क्या किया, 5th का जो बार बनाया वो 135 तक बना दिया, 140 और 130 के बीच में, और दूसरा 6th क्लास का 120 तक है, ये है 120। इसी तरह 7th क्लास का जो है वो है 95। तो ये 7th क्लास 95 है, 90 और 100 के बीच में आता है 95। इसी तरह से 8th क्लास अगर हम देखें तो 8th क्लास का है 100। तो ये 8th क्लास का 100, क्लास 9 का, 9 का है 90 और 10 का 80। तो पहले हम 9 का देख लें, 9 का 90 है, ये 90 है वाला लाइन जो है ये यहाँ आ जाएगा, और 80 है ये 8 का लाइन जो है, 80 का लाइन ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को बना लिया है। अभी बेस्ड ऑन दिस ग्राफ वी हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस जो बी में लिखा है, पार्ट बी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कौन सी क्लास में सबसे कम है, मिनिमम है। तो इस बार ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो सबसे टॉल है वो ये वाला बार है, ये बार है, ये क्लास 5th का बार है। तो ये क्लास 5th के बार में सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो 5th क्लास में 135 बच्चे हैं, इसलिए 5th क्लास हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड अब मिनिमम देखें तो मिनिमम है क्लास 10 में, सबसे छोटा बार क्लास 10 का, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 10। तो यही हमने आंसर में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, पार्ट बी का, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं 120 और क्लास 8 के स्टूडेंट है 100।
तो इनका अगर रेशो निकालना है, हमने क्लास सिक्स में भी किया है इसको, तो इसका रेशो निकालने के लिए हमें सिर्फ लिखना है 120/100। तो हम लिखेंगे 120:80, यानी 120/80। और हम इसको जब डिवाइड करते हैं, जीरो से जीरो कट जाता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 3/2, यानी कि 3:2। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर हमने इसको, ये तो हमने आपको अटेम्प्ट करने के लिए, सिखाने के लिए इस तरह से लिख दिया है, बाकी आपको इस तरह से लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो हमने ये लिख देना है, वी विल चूज अ स्केल 1 unit = 10 children बिकॉज वी मे रिप्रेजेंट अ मोर क्लियर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 7 एंड 9 बाय द स्केल ऑफ 1 children। इसी तरह से बाकी दोनों क्वेश्चंस के भी आंसर इसमें दिए हैं।